हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट मॉडल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडल मे एंड माइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, मे मॉडल का यूज कहाँ पे किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट है आपके पास, टू शो फॉर्मल परमिशन, टू शो फॉर्मल परमिशन। अगर आप किसी से परमिशन मांगते हैं, फॉर्मल परमिशन यानी कि अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं, जैसे स्कूल में है आप, तो आप क्या बोल रहे हैं? मे आई कम इन सर। ओके, तो यहाँ पे आपने परमिशन ली टीचर से, क्या बोला? मे आई कम इन सर। तो परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी मे का यूज किया जाएगा। अगर आपको परमिशन दी जाएगी तो क्या होगा? यस यू मे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, आप जा सकते हैं। तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने बोला था कि परमिशन के लिए तो हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। तो अगर फ्रेंडली परमिशन है, अपने सेम एज ग्रुप में अगर आप परमिशन मांगते हैं तो कैन मॉडल का यूज करेंगे। और अगर आप अपने से बड़ों से परमिशन मांग रहे हैं, जैसे टीचर से परमिशन मांग रहे हैं, अपने से बड़ों से मांग रहे हैं, पेरेंट्स से, तो वहां पर आप यूज करेंगे मॉडल मे। जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। तो सर क्या बोलेंगे आपको? यस यू मे, हाँ आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो परमिशन लेने के लिए और देने के लिए, यानी कि फॉर्मल परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मॉडल मे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, टू शो पर्पज, टू शो पर्पज, यानी कि पर्पज को शो करने के लिए। पॉजिटिव पर्पज होगा ये, आपको सो दैट मिलेगा सेंटेंस के अंदर, याद रखना है। सो दैट से पहले आपको मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस। तो आगे आप यूज करेंगे मॉडल में यूज करेंगे। ओके, क्या याद रखना है? सो दैट से पहले मिलेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस और ई एस। तो आगे आप मे मॉडल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट, हम खाते हैं। खाने का पर्पज क्या है? So that we may live, ताकि हम जिंदा रह सके। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा आपने? So that से पहले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे आपने मे मॉडल का यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और देखिए, she works hard so that सी में पास, ताकि वो पास हो सके। ठीक है, यानी कि वो क्या है यहाँ पे? सो दैट से पहले क्या लिखा? वर्क्स, वह मेहनत करती है ताकि वो पास हो सके। तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया है? मे का यूज किया है, मे मॉडल सो दैट आया हुआ साथ में। तो ये था आपका रूल नंबर टू। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस टू शो विस प्रे एंड ब्लेस। आप सभी को पता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या दिया जाता है? सेंटेंस में विश की जाती है, या गॉड के सामने प्रे किया जाता है, या फिर ब्लेसिंग्स ली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। क्या है? आपने मे मॉडल का यूज किया। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, विश किया गया है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? मे मॉडल का यूज किया आपने, साथ में क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा यहां पे, मे गॉड ब्लेस यू।
ओके, ये है आपका रूल नंबर थ्री। नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर फोर, टू शो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी आप यूज करेंगे मॉडल में। कौन सी पॉसिबिलिटी मिलेगी आपको ये? इसको हम 50-50 पॉसिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि जब संभावना 50% हो। आपने सुना होगा कोई एडमिट है हॉस्पिटल में और आप डॉक्टर से पूछते हैं कि ज्यादा सीरियस है, क्या पूछते हैं कि कैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बचेंगे या नहीं बचेंगे, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर, मे और मे नॉट भी, अगर ज्यादा सीरियस है तो बच भी सकते हैं नहीं भी बच सकते हैं, 50-50 पॉसिबिलिटी है। आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, मैच में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो क्या है, क्रिकेट मैच में लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए, तो आप पूछेंगे क्या इंडिया मैच जीत जाएगा, तो क्या बोला जाता है, मे और मे नॉट भी, जीत भी सकता है नहीं भी जीत सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मे विन द मैच टुडे, इंडिया आज मैच जीत सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी, अगर आपको पॉसिबिलिटी 50-50 लग रही है तो आप यहां पे मे का यूज करेंगे। अगर आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है तो आप मस्ट लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि आप डिपेंड करता है कि आपको पॉसिबिलिटी कितनी लग रही है, लेस पॉसिबिलिटी है या फिर मोर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और देखें, जैसे इट मे रेन टुनाइट, आज रात बरसात हो सकती है, क्या है पॉसिबिलिटी, अगर आपको लग रहा है 50-50 पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो आप वहां पर यूज करेंगे मॉडल मे। तो ये था हमारे पास मे मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो साथ के साथ में लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं मे मॉडल, माइट मॉडल के बारे में, कि माइट मॉडल का यूज कहाँ पे किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो है माइट। आपको पता है माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है किसकी, मे की, मे से बना है, मे का पास्ट फॉर्म क्या हो गया, माइट। तो इसको भी हम यूज करेंगे इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, टू शो परमिशन, अगर आप फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं, टू शो विश, प्रे एंड ब्लेस। ओके, सेंटेंस होना चाहिए आपका किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए कैसे मिलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ही सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। आपने मांगी है यहाँ पे क्या परमिशन, तो आप सेंटेंस आप देखेंगे इंटरोगेटिव है, सेड या सेड टू को आप चेंज करेंगे, आस्ट में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, He asked the teacher, inverted commas को remove किया जाएगा, if लगेगा, मैं चला जाएगा subject के बाद, पहले I को बदलेंगे, first person pronoun change होगा according to he में, मैं को change करेंगे might में, if he might, model के बराबर के first form come in, सर यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि सर का मतलब है कि जो teacher है हमारे पास, क्योंकि neuter gender है, ये teacher जो है लेडीज के लिए भी यूज किया जा सकता है और जेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो यहां पर आपने माइट का यूज किया, सेड या सेड टू को आस्ट में चेंज किया हुआ है, कंजक्शन इफ लगा हुआ है, तो ऑलरेडी आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में है, और यहां पर क्या है, परमिशन दी गई है, तो यहां पर मे नहीं माइट आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सी सेड टू मी May God bless you. Optative sentence है आपकी indirect speech, reported speech. Optative sentence में है, wish क्या गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे said या said to को wished में change कर देंगे यहाँ पे, या parade में भी change कर सकते हैं, she wished, me नहीं आएगा यहाँ पे, object को count नहीं करेंगे हम, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट लगेगा,
सी विश्ड, सेट या सेट को चेंज करेंगे विश्ड में, सी विश्ड दैट मे चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, पहले गोड थर्ड पर्सन नो चेंज, मे को चेंज करेंगे माइट में, ब्लेस और यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन बनाऊ अकॉर्डिंग टू मी, यहां पर मी है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा मी आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर सेट या सेट को विश्ड में चेंज किया है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगा है, सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो आप यहां पर मे नहीं लगाएंगे माइट लगाएंगे क्योंकि जो सेंटेंस है वो इंडेक्स पेज में चला गया है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल कि अगर आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है तो परमिशन के लिए, विश के लिए, प्रे और ब्लेसिंग्स के लिए हम यूज करते हैं मॉडल, माइट मे का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टू शो पर्पज। अगर पर्पज को शो करना है पॉजिटिव पर्पज होगा, शो दैट मिलेगा याद रखना है, शो दैट से पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगा, सो दैट के बाद आप माइट मोड लगाइज करेंगे, क्या लगाएंगे माइट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम को पास कर दे, या सो दैट ही माइट सक्सीड इन लाइफ, ताकि वो जीवन में सफल हो सके। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, सो दैट है, सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सो दैट के बाद में आप क्या लगा दिया आपने, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना है कि अगर सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे ऐसे तो आगे मे मोड लाएगा, और अगर सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे माइट मोड लाएगा। ये था आपका रूल नंबर सेकंड। लास्ट रूल है आपके पास रूल नंबर थ्री, टू शो लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, अगर बहुत ज्यादा कम है तो आप माइट मोड लगाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा ही माइट कम और नॉट, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ही माइट कम और नॉट, या फिर इट माइट रेन टुडे, आज रात बरसात हो, टुडे लिख दो यहाँ पे, आज बरसात हो सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो कम है बट लगता है कि आज बरसात हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया है अबाउट मॉडल मे और माइट, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।